नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। आप सभी को पता होगा 18 मई का जो मैच था वो एक प्रकार से एलिमिनेटर मैच था या फिर क्वार्टर फाइनल आप कह सकते हैं। जो टीम लगभग जीतेगी वो प्लेऑफ खेलेगी, लेकिन यहाँ पर CSK के लिए फिर भी चांस था कि वो हार कर भी जा सकते थे अगर 18 रन से कम हार होती। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ हम सभी को पता है कि RCB ने 27 रनों से CSK को हराया और प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का कर लिया। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि शायद MS धोनी की जो विदाई है वो हार के साथ हुई है। अगला सीजन खेल जाएं तो शायद खेल जाए, लेकिन जिसके आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। इसके बाद CSK के जो फैंस थे बहुत निराश नज़र आए, RCB के जो फैंस थे बहुत खुश नज़र आए और जो भी अपने बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो भी निराश नज़र आए। लेकिन इन सब के बीच CSK का एक पुराना खिलाड़ी अंबाती रायडू, जी हाँ हम बात कर रहे हैं अंबाती रायडू, वो तो कमेंट्री बॉक्स में थे और फूट फूट कर रोने लगे। जी हाँ, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर उन्होंने पहले तो अपना मुंह छुपाया हाथ से और उसके बाद फूट फूट कर रोने लगे। दूसरे छोर पर जतिन सप्रू थे जो बिना किसी बात के आराम से कमेंट्री कर रहे थे, बिना किसी गिले शिकवे के या किसी इमोशंस को दिखाए हुए। लेकिन दूसरे छोर पर थे अंबाती रायडू जो फूट फूट कर रोने लगे। और बात करें अगर अंबाती रायडू की तो आपको बता दें कि अंबाती रायडू 2018 में शामिल हुए थे CSK में और उसके बाद 2018, 21 और 23 तीन बार CSK के साथ चैंपियनशिप जीत चुके हैं। और अंबाती रायडू की पिछले साल की अगर बात करें तो वो साल था जब कहा जा रहा था कि अंबाती रायडू का ये विदाई साल है, तो वहाँ पर धोनी ने खुद आकर ट्रॉफी अंबाती रायडू को दी थी जब टीम का फोटोशूट हो रहा था ट्रॉफी के साथ। तो इससे सोच सकते हैं आप किस तरह से इमोशंस जुड़े हुए हैं MS धोनी के भी अंबाती रायडू के साथ और अंबाती रायडू के धोनी के साथ और CSK के साथ। और यही रीज़न रहा कि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि CSK क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो एकदम से भौचक्के रह गए और फूट फूट कर रोने लगे कमेंट्री बॉक्स में ही। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और आप बताइए क्या वाकई CSK सभी के लिए इमोशंस है जो भी प्लेयर वहाँ खेलने जाते हैं, या फिर अंबाती रायडू का कुछ खास कनेक्शन था और जिस प्रकार से तीन ट्रॉफी जीती जब से वो आए CSK में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको, जो भी आपकी राय है। मैं गौरव, धन्यवाद।